हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो विभिन्न तरीके के जो शहर हैं वो किस रिवर के किनारे स्थित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपके एग्जाम के लिए, सभी एग्जामों के लिए, क्योंकि अगर कहीं एक वन लाइनर में एक क्वेश्चन ना दे करके कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन में ये जरूर एक ना, अगर आप पेपर देने जाएंगे कॉम्पिटिशन का कोई भी पेपर, तो वहाँ पर एक नंबर में कहीं ना कहीं आपको जरूर दिख जाएगा। तो इस वीडियो को हम कवर कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 7-8 मिनट की वीडियो होगी। और अगर ये 7-8 मिनट का वीडियो देख ले तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर तो आपके लिए प्रॉफिट लेकर ही आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, श्रीनगर। श्रीनगर कौन से रिवर के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, लेह कौन से रिवर के किनारे है, इंदस रिवर के किनारे। इंदस मतलब क्या होता है, सिंधु नदी, सभी को मालूम है। ठीक, थर्ड देखिए यह लिखा हुआ चंबा रिवर कौन से रिवर के किनारे है, रावी। उसके बाद है मंडी कौन से रिवर के किनारे है, ब्यास नदी। अब ये जो मंडी है ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, मंडी नाम का यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, IIT मंडी भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है नैना देवी। नैना देवी कहाँ पर है, ये है सतलुज नदी के किनारे, फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे, गाजियाबाद हिंडन रिवर के किनारे, मुरादाबाद है रामगंगा के किनारे, और ये बहुत पूछा जाता है। और जो मुरादाबाद है इसको कहते हैं पीतल की नगरी। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ, बरेली कौन से रिवर के किनारे है, रामगंगा। फैजाबाद घाघरा रिवर के किनारे है, जौनपुर है गोमती रिवर के किनारे, श्रावस्ती राप्ती रिवर के किनारे है, गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे। अब देखिए ये जो गोरखपुर लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, गोरखपुर कौन से रिवर के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे। ठीक, ये तो हमने जाना। अब जो गोरखपुर है वो एक चीज के लिए फेमस है, यहाँ पर गोरखपुर में टेराकोटा की फॉर्मेशन होती है, या फिर हम कहते हैं जिसको गोरखपुर का टेराकोटा। टेराकोटा मतलब क्या होता है, मिट्टी के कई तरीके के आकार बनाए जाते हैं, उसे हम टेराकोटा बोलते हैं। और यूपी में ये जो गोरखपुर है जहाँ पर टेराकोटा बनाया जाता है, इसको GI टैग मिला हुआ है। GI टैग का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट उसी पर्टिकुलर जगह पर बनाया जाएगा और 10 सालों तक उसके अलावा कोई और उसकी फॉर्मेशन या फिर उसका मेकिंग प्रोसेस नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत, अगर कोई मार्केट में अच्छी डिमांड में कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे लोग नकली प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर GI टैग दिया जाता है। और GI टैग के लिए सेंटर कहाँ पर है, इंडिया के अंदर, तो वो है कहाँ पर, चेन्नई में। ठीक है, और GI टैग किसके द्वारा दिया जाता है, तो WTO है, आप सभी को मालूम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी का एक पार्ट होता है जिसे हम ट्रिप्स कहते हैं, ट्रिप्स के द्वारा ही GI टैग दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए लिखा क्या हुआ, अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। आप सभी को मालूम है अयोध्या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों है ना इम्पोर्टेंट। और उसके बाद पिछली बार जब 26 जनवरी को झांकी हुई थी तब उसमें जो अयोध्या का राम मंदिर दिखाया गया था उसको सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड भी दिया गया था, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे है ना आप लोग। उसके बाद लिखा हुआ है हरिद्वार कौन से रिवर के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। अब जो हरिद्वार है वहाँ पर जो गंगा रिवर होती है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है वो सबसे पहले कौन, किस जगह पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भाग में जो गंगा नदी है वो क्या होती है, प्रवेश करती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कोरबा कहाँ पर है, हरदो रिवर के किनारे, बक्सर गंगा नदी के किनारे, बलिया पटना मुंगेर भागलपुर ये सभी गंगा रिवर के किनारे हैं, कोटा चंबल के किनारे है, और रावतभाटा भी चंबल के किनारे है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक साथ स्कोर कर दिया है ताकि जो है आपको परेशानी ना हो याद करने में। ओके, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए उज्जैन शिप्रा रिवर के किनारे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद है सांची जो बेतवा के किनारे है, विदिशा नाम की जगह है बेतवा के किनारे, गया नाम की जगह फाल्गु नदी के किनारे। हम लोग जब 10th या फिर 12th स्टैंडर्ड में होते थे तो हम लोग को एक सेंटेंस पढ़ाया जाता था, उसको क्या कहते थे हम, गया गया को गया। इसको टीचर लोग बहुत लोगों से है ना पूछते थे स्टूडेंट से कि गया गया को गया, इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइए, है ना। उसके बाद देखिए अब यही से आपको याद रख लेना, गया कौन से रिवर के किनारे है, फाल्गु नदी के किनारे। हाजीपुर कौन से रिवर के किनारे है, गंडक नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कोलकाता, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, कोबरा नाम की जगह भी हुगली के किनारे है, तिलैया नाम की जगह है, बाराकोर बाराकर नदी के किनारे,
पांचेत नाम की जगह दामोदर के किनारे है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के किनारे है। जमशेदपुर कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक। दिब्रुगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। धुबरी नाम की जगह भी ब्रह्मपुत्र नगर के किनारे है। ये धुबरी नाम की जगह आपको याद है, मैंने आपको एक बार वीडियो में भी पढ़ाया था कि उसमें लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से मैंने आपको पढ़ाया था लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, तब उस टाइम मैंने इस जगह का जिक्र किया था। तो इस जगह का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखेंगे धुबरी नाम की जगह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। एजवाल धारेश्वरी नदी के किनारे, एजवाल मतलब जिसे हम आइजोल कहते हैं, जो कि मिजोरम की राजधानी है। कौन सी रिवर के किनारे है? धारेश्वरी नदी के किनारे। ठीक है, देखो एक मैं यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूँ इस चीज़ का। जब आप रिवर से या फिर पढ़ते हैं तो जो असम का एरिया है वहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वही जो है मेन रिवर है वहाँ की। अगर असम से रिलेटेड कोई जगह भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, यहाँ तो मैंने एक दो जगह का नाम लिखा हुआ है, अगर असम आपको ये पता है कि ये जगह असम की है, ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी दिए होता है तो आप उसको आराम से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा सही माना जाएगा। ठीक। अब उसके बाद देखिए सांभरपुर महानदी के किनारे है, कटक महानदी के किनारे है, और जो कटक नाम की जगह है वो राइस रिसर्च सेंटर है इंडिया का। ठीक है। गांधीनगर साबरमती के किनारे है, और साबरमती के किनारे क्या है? अहमदाबाद है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, होशंगाबाद नर्मदा के किनारे है, नासिक गोदावरी के किनारे है, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, मौसी नहीं है, मूसी है। ठीक है, आराम से देख कर पढ़िएगा, हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। ठीक, तो कोई डाउट नहीं, मुझे लगता आप लोगों को हुआ है, आराम से आप लोगों को समझ में आ गया है ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको आज कवर किया है। और इसमें देखिए यहाँ पर कुछ नीचे भी लिखा हुआ है, देखिए कावेरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? श्रीरंगपट्टनम है, मैसूर है, मेतुर है, यहाँ पर इरोड है। ठीक, इरोड के बाद ये क्या है? तंजावुर। तंजावुर नाम की जगह भी कहाँ पर है? कावेरी रिवर के किनारे में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप गारंटीड मेरी है कि आप कहीं ना कहीं आप एक दो नंबर से अपना रिजल्ट जो है बेकार कर सकते हैं। तो रिजल्ट नहीं बेकार करना है आप लोगों को, पूरे वीडियो को देखना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, उसको रिवाइज करना है, ताकि आपको जो वीडियो आप देख रहे हैं हेल्पफुल हो। ठीक है, कोई भी वीडियो, मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट कर दूँ कि कोई भी वीडियो आप अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो इसे देख के पढ़ के छोड़ा मत करिए, किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, उसका जो भी वो पढ़ाता है उसको अपनी कॉपी पर नोट किया करिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो यूट्यूब पे फालतू में ऐसे टाइम मत वेस्ट किया करिए अपना। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।